दिल्ली से ही आए हैं, दिल्ली वापस जा रहे हैं। अच्छा ओके, तो नाइस भाई, दिल्ली ओनली। ओके केटीएम भाई देखो 140, वो 140 चल रही है केटीएम आरसी भाई, देखो मानना पड़ेगा यार भाई, ये हटा दूं भाई, ये बाइक के लिए बहुत खतरनाक चीज है यार, ये बहुत खतरनाक चीज है। चलो भाई टैनर वर्सेस हायाबुसा करने वाले, बच्चे ने रेस दे दी। मैंने बहुत टैनर देखे पर ये बहुत लाउड है, भी आवाज सुनना है इसकी। सो गाइस टैनर है येवली जनरेशन 3 और गाइस ये बहुत लाउड है, इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है एससी का और भाई इसमें फुल सिस्टम नहीं है, पर लाउड इतनी ज्यादा है ना, मैं न्यूट्रल करके आपको आवाज सुनाता हूँ। भाई ये देख लो इनके, मैं तो सिर्फ गिनता भाई था भाई, इनका इनका ये हिसाब है, जब ये बाइक लेने जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बोरे को ऐसे करके सारे पैसे गिराए थे शोरूम में, कहते भाई गिन लो, आज की संडे राइड थी ना भाई, यहाँ पे ओवर हुई है भाई, बहुत मजा आया। ये चेक करो भाई काफिला बाइक का। हाँ जी एग्जॉस्ट सुना दो, रोला हो गया पूरा, ये चेक करो भाई, सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पे देखने के लिए, देखो बच्चे बच्चे मोबाइल पकड़ के खड़े हुए हैं भाई, ये बड़ी सेक्सी लगती है भैया। इसमें एग्जॉस्ट कब लगवाओगे, एग्जॉस्ट डालो ना यार, इसमें इतनी बढ़िया मशीन ले रखी है आपने, एग्जॉस्ट का ही नंबर है, एग्जॉस्ट भाई बाइक इतनी प्यारी ले रखी है इन्होंने, और भाई एग्जॉस्ट की कमी है बस बाइक। दिल्ली से ही आए हैं, दिल्ली वापस जा रहे हैं। अच्छा ओके, तो नाइस भाई, नाइस टू मीट यू। सो गाइस वापसी जाने की तैयारी है, हेलमेट वगैरह वेयर कर लिया हमने, और गाइस ये खड़ा हुआ काफिला अपना कौन ले गया पता नहीं, कोई वो फोन कर रहे हैं भाई, गिर गुर तो नहीं गई भाई, $1000 गायब होगी कह रहे हैं भाई, देख के आ जाओ, हेलो उधर देख कौन लेके, कौन गया, कौन लेके गया, कौन कौन अपना बंदा है ना कोई भाई, फिर ठीक है, इसको बोलो देख के आ जाओ ना, एक बार गेड़ा लगा के आओ, पता ही नहीं ना, फोन ही नहीं उठा रहे यार, गिर मैं कहा यहाँ ना हो कहीं वहाँ, देखो कौन लेके गया भाई, डरा दिया मुझे, लगा कोई बंदा ऐसे राउंड ले रहा हो आपकी बाइक ले गया, अच्छा ये लेके गए थे भाई साहब, आपने डरा दिया उनकी सांस ऊपर आ गई भैया, 30 लाख रुपए का माल लेके चले गए आप, उधर तो वहाँ पे सही रहता है ना, राइड तो नहीं देखे किसी लड़की को। चलो गाइस निकलने की तैयारी है, धूप बहुत ज्यादा हो गई है, निकल रहे हैं भाई, हाँ पूछा मैं भरना, आग लगा दी भाई, भाई टायर फट जाएगा, आग लगा दी तुमने तो, पीछे देखो भाई, इन्होंने फर्स्ट टाइम बर्नआउट मारा, मैंने ट्रिक बताई, कहते ऐसे करना है, हाँ ऐसे करना है, चेक करो भाई, भाई टायर पूरा खराब कर लिया आपने, वो देखो भाई हालत देखो टायर की क्या हुई है। चलो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं हाईवे मसाला से, सारा काफिला निकल चुका है, इनके रिएक्शन देखने वाले लोगों के, फ्यूलिंग की जरूरत नहीं है, हाफ टैंक हुआ है अभी मेरा, और केटीएम में भी पूछ लेते हैं पेट्रोल है कि नहीं है, पेट्रोल है ना, पेट्रोल फ्यूलिंग कितना कितना पड़ा है, पड़ा है ना अभी, ठीक है हाफ है ना भाई, यहाँ तक हाफ लगा, नहीं तो मैं $1000 लेके आता ना, पूरी खाली हो जाती थी पूरी। भूसा की ना इस बार यार बगाई नहीं है, क्योंकि दिलप्रीत पाजी नहीं आए थे, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार ही खिंचा मारा होगा। यहाँ पे भाई टोल टैक्स कटेगा, अपनी बाइक्स वहाँ पे खड़ी हुई हैं भाई, बाइक्स का भी टोल लगता है यहाँ पे, मेरी मम्मी पूछती है कि बाइक्स के भी टोल लगते हैं क्या, मैं कहा हाँ जी अब देख लो मम्मी। सो भाई पेरेंट्स सारी वीडियोज़ देखते हैं मेरी, तो इधर भाई बाइक का टोल लगता है, फ़ोन निकालना पड़ेगा पेटीएम करने के लिए, बाइक का है 45 रुपीज़ पर बाइक, टैनर ने भी दे दिए हैं पैसे, अब भाई हमारी बाइक है भाई, ये दोनों बाइक्स के काट लेना, हायाबुसा के और एक एटीएम के, दोनों के हैं, ये देखो भाई टोल लग रहा है दोनों बाइक्स का, भाई पीछे देखो कितनी बाइक्स है, कितने 90 ना, एक बाइक का 70 है, दोनों का 140 भाई, 45 लिखा हुआ उधर, अब ये दिखाना पड़ेगा पर्ची, अच्छा ये सही सीन है यार, मुझे लगा 45 रुपये हैं,
क्योंकि ना एक्चुअली वापस जाने का भी टोल लगता है, तो इन्होंने ना पूरा ही काट लिया। फिर दोबारा दिखाना भी, जब मुड़ेंगे ना फिर दोबारा टोल आएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। मुझसे इन्होंने लिए हैं 140 रुपीज़। रॉन्ग साइड चले गया वो, रॉन्ग साइड चले गए, मुझे लग ही रहा था भाई। उन्होंने पैसे बचा लिए। कौन है ये लोग? अब कोई नहीं, अब हम उसी रास्ते से जाएंगे ना। चलो ना भाई, खींचते हैं फटाफट, हम खींच के चलते हैं ना थोड़ा। गाइस वो रॉन्ग साइड से ही चले गए, उन्होंने टोल बचा लिया, बट हम आगे आ गए क्योंकि ना हम लास्ट टाइम ना इधर से आए थे टोल दे के, तो इसलिए मैं आया, नहीं तो मैं उधर से ही चले जाता, मुझे लगा वो रास्ता बंद कर दिया। सो गाइस ये चेक कर लो हम कितनी दूर आए हैं दिल्ली से। दिल्ली है 80 किलोमीटर, उसके बाद भाई अपने घर जाना है। तो मतलब आराम से ना 200 से 225 किलोमीटर की राइड हो जाती है। देखो 80 किलोमीटर दिल्ली है, नोएडा है 55। और गाइस अभी दोबारा टोल आएगा, वो आने का टोल था, ये जाने का टोल है। ये मेरा राइड का प्लान नहीं था, बाइक कल ही सर्विस होके आई है, तो मैंने चेक कर रही थी बाइक को कि बाइक में वाकई कोई तब्दीली आई है कि नहीं। भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा बाइक में, देखो टोल आ गया दोबारा। वहीं तो नहीं आ गए कहीं घूम के हम? नहीं भाई, अलग है, देखो बंदा दूसरा, बिल्कुल सेम टोल है। मुझे लगा था वहीं घूम के आ गए दोबारा। लो भैया, ठीक है, दो बाइक्स है मेरी, ये एक एक ATM है और एक वो है। आपको भी दिए? अच्छा ये भैया उससे ले लेना पर्ची। KTM देखो कितने पे चल रही है, देखो मेरी बाइक 100 है, 130 चल रही है KTM। भाई मेरी बाइक देखो 130-140 आराम से इजीली जा रही है 200 से। भाई जो 390 है ना भाई, वो इजीली ना इजीली 180-190 चले जाती है। भाई चेक करो 140 चल रही है KTM, भाई देखो 140, वो 140 चल रही है KTM RC। भाई देखो मानना पड़ेगा यार। चलो भाई हम 300 घुसाते हैं अपनी बाइक को। भाई वो पीछे खड़े हुए थे, मेरी बाइक बहुत तेज थी यार, आगे निकल आया उनसे, पीट पड़ी हुई है, बहुत गलत चीज़ है, वो भी हाईवे के ऊपर वो निकल गया टैनर वाला गलती से आगे, बहुत तेज़ गए हैं भाई। ईंट पड़ी हुई है, मैं ईंट हटाऊंगा हाईवे से पहले। हमारा सारे बाइक्स ना वो खड़ी हुई हैं, हमारी वेट कर रहे थे भाई ईंट हटा दूं। भाई ये बाइक के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई, ये किसी का भी सीन हो सकता है भाई, ये बहुत गलत चीज़ है भाई। देख लो ये बाइक को पानी 200 पे और ईंट आ जाए तो बंदे का कुछ नहीं बचेगा। चुकी है बाइक सारी, ओ भाई 900 पे बिजली। चलो भाई अब आएगा मज़ा भाई, अब मारते हैं खिंचे भाई। भाई वो देखो कैसे पटाखे मार रही है। चलो चलो भाई अब सबको आगे जाने देते हैं, फिर खिंचा मारेंगे। चले जाओ भाई, मिली जाओ भाई, बिजली चेक करो 900 पे। भाई खिंचा मार दे, आ जाते हैं ना भाई राइडर्स, तो भाई बहुत मज़ा आता है ड्राइव करने में, क्योंकि ना रोड बड़ा सही है आज, आज ट्रैफिक नहीं है बहुत ज़्यादा। नहीं तो लास्ट टाइम ना बहुत ट्रैफिक था रोड के ऊपर, बट आज ट्रैफिक नहीं मिल रहा बिल्कुल। चलो भाई टैनर वर्सेस हायाबुसा करने वाले। टैनर में भी सही पावर है भाई, बाइक ना भगाने वाला होना चाहिए। फिर आगे टैनर हो रहे हो टैनर, आगे पीछे होते रहा जब थक जाए ना, तो ये फायदा भाई देखो 120 की स्पीड में ना क्रूज कंट्रोल, और भाई देखो हाथ छोड़ के बैठा हो तुम्हारा भाई, 900 चल रही है पीछे देखो,
बाइक्स आ रही है, छोटी छोटी बाइक्स आगे निकलेंगी सारी। भाई देखो आराम से यहाँ पे हाथ रखो, चिल करो। ये देखो भाई निकल गई 900 आगे। ये देखो भाई निंजा आ गई भाई, आराम से आपके भाई ने क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है, सोने लगा तुम्हारा भाई, आराम से चल रही है भाई, भाई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बार ही रुकेंगे, ये हमारा सेकेंड मीटिंग पॉइंट है। भाई डर के मारे आप आगे क्यों भाग गए ये बताना पहले मुझे, आप आगे क्यों भागे कि हम मुझे ड्रैग ना लगानी पड़े। 300 लग गई ना, लग गई 300 लग गई पूरी। अच्छा अच्छा ये आ गया था साइन। ये तो भाई उसका है, वार्निंग है ये, वार्निंग है ना। हाँ वार्निंग है, उसका सेंसर वेंसर गया होगा क्योंकि आपने विदाउट ट्रैक्शन ऑफ करे बर्नआउट मार दिया ना। फिर कोई दिक्कत नहीं है। टोल दे के आए हो? हाँ टोल दे के आए हो भाई, मुझे पता नहीं था, बता तो देते आप यार। भाई यार हम जब लास्ट टाइम आए तब भी तो टोल दे के आए थे हम। इशारा करा था मैंने कि पीछे पीछे आओ। जब ना हम लास्ट टाइम आए ना तब भी हम टोल दे के निकले हैं, मैं इसलिए वहाँ को चले गया, मुझे पता नहीं था। निकल रहे हैं अब यहाँ से। ओ भाई गियर ना डल जा रहे भाई, बच्चे ने थ्रोटल कर दिया। गाइस ये देखो, ये हम हाईवे मसाला से निकल चुके हैं भाई। गियर डल गया तो भाग जाएगी भाई। भाई ये देखो फोटो शूट चल रहा बच्चे का स्पेशल भाई, अर्टिगा रुकी है वो देखो। चलो भाई निकलते हैं अब। भाई लो जी हाँ भाई, पटाखे मारते हैं लिटरली यहाँ पर भाई, पूरी लिटा दी भाई ने यहाँ पर। वो देखो चेक करो भाई, पूरी टोटली लिटा दी यहाँ पर। अब भाई खिंचा में खिंचा पड़ेगा आगे, ट्रस है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है यार भाई, इन्होंने डाइवर्जन लगाया हुआ है यहाँ पे। इतने बढ़िया रोड को पता नहीं क्यों ख़राब कर रहे हैं। और भाई ये निंजा ना मैंने आज देखी इसकी, ये भी आराम से 150 जा रही है। वो तो बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, मेरा टाइम नहीं है। और यार टाइम की बात नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है, नहीं तो मैं भी यहाँ पे फोटो करवाता। मेरी 1000 RR दोनों BMW ना मैं लेके आया था, तो यहाँ मैंने खड़ी करी थी तब मैंने फ़ोटो करी थी। पावर पूवर सही है इसके अंदर, मतलब बंदा संडे राइड कर सकता है KTM लेके। भाई 2.5-3 लाख रुपए में क्या मारा यार ये देखो। अरे बाप रे बाप, भाई ये चेक करो व्हीली। अरे भाई राजा व्हीली, अरे बाप रे बाप। ओ भाई आराम से भाई, पलट मत जाइयो यार, क्या कर रहा है भाई। अभी पलट जाने दी भाई, जानो सो मना करो यार इसको, ये का सीन हो रहा भाई यहाँ पे।